गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, ये पाइथागोरस नाम कभी सुना था आपने? Yes, ma'am. पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है अब? Yes, ma'am. क्या पढ़ा है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है? इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था आपने बताओ? हाइपोटेनस निकालने के लिए थी। हाँ, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या थ्योरम था वो? मैम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस मैम। तो h square is equal p square plus b square, ये थ्योरम आपने पढ़ा था। तो ये जो h p b क्या है ना, उसके लिए हम क्या करना चाहिए ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तभी हो पाएगा। यस मैम। ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें से क्या है ना, बी एंगल 90 डिग्री है। जब बी एंगल 90 डिग्री है तो उसके सामने में जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस एच है। ठीक है, और ये हो जाएगा बी सी, हो जाएगा आपका बी बेस हो जाएगा और ए बी उसका पी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल जो होता है बी एंगल के सामने में जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, और उसका जो एडजेसेंट साइड होती है जैसे ए बी और बी सी जो नीचे की तरह है वो है बेस, और जो वर्टिकली है वो है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, पी। तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखे हैं, क्या है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये था क्या, पाइथागोरस थ्योरम, इसको पढ़ चुके हो आप। ठीक है, बट आज हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हाइपोटेनस है 10। ठीक है, पहले ये जो थ्योरम है उसको समझ लेते हैं। हाइपोटेनस दे रखा है 10, बी दे रखा है आपका 8, तो पी कैसे निकालेंगे, पी कैसे निकालेंगे, पी का फॉर्मूला क्या है? तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर है, प्लस इज इक्वल p कितना है हमें पता नहीं, पी स्क्वायर प्लस b कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो ये देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, पी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 64, तो 64 इधर प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल 100 माइनस 64। तो पी स्क्वायर इज इक्वल 100 से 64 जाएगा तो कितना रहेगा बताओ, 36। तो पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर 36 से पी हो जाएगा, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आ गया 6।
ऐसे हम क्या करते हैं ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सा भी दो साइड दे देगा, हम तीसरा साइड निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अभी हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए जनरल रूल एक है, जनरल रूल क्या है उसमें से, टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, ये है ट्रिपलेट, ठीक है। कि ट्रिपलेट मीन्स क्या है, तीन नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे कम्मा देके लिखना है, ठीक है, वो है ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट में से जनरल रूल्स क्या आ गया ना, टू एम हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, एम स्क्वायर वन एम स्क्वायर माइनस वन सेकेंड नंबर हो गया, एम स्क्वायर प्लस वन ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल्स में देती हूँ ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट का एक एग्जाम्पल्स सिक्स एट टेन, ये एक ट्रिपलेट होगा। कैसे पता चला ये सिक्स एट टेन ट्रिपलेट है, मैंने तो लिख दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या आ गया ना, टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, और उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एम का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एम का वैल्यू पता होगा तभी आप टू एम का वैल्यू निकाल लोगे, एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, ये जो तीन नंबर आपका निकल के आएगा वो किस बेस पे रहेगा पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस थ्योरम था ना, उसको वो क्या करेगा, डिफाइन कर देगा, ठीक है। देखते हैं अभी, एम का वैल्यू लेट, एम का वैल्यू दे रखा है थ्री, ठीक है, टू एम निकालो, टू इंटू थ्री सिक्स, एम स्क्वायर माइनस वन थ्री का स्क्वायर माइनस वन नाइन माइनस वन एट, एम स्क्वायर प्लस वन थ्री का स्क्वायर प्लस वन नाइन प्लस वन टेन। तो ट्रिपलेट क्या आया ना, सिक्स एट टेन, ये है ट्रिपलेट। ये तो हम फॉर्मूला पुट करके हम निकालिए, ये है क्या ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये पाइथागोरस थ्योरम के साथ कैसे कनेक्टेड है, देखो ये जो ट्रिपलेट में सबसे बड़ा क्या है, टेन है। आपको पता है हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे क्या है, बड़ा साइड है वो, सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। तो सबसे बड़ा टेन जो है, टेन को हम एच मानेंगे, ठीक है, एच इज इक्वल टेन। देन सिक्स और एट, इन दोनों में से किसी को भी आप पी और बी ले सकते हो, ठीक है। सपोज पी हम सिक्स ले लिए, बी को हम एट ले लिए, नहीं तो आप पी को एट ले सकते हो और बी को सिक्स ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी ले सकते हो। बट जो बड़ा है सबसे, उसको हाइपोटेनस लेना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे लगाएंगे उसको, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना था, टेन, टेन का स्क्वायर इज इक्वल पी है आपका सिक्स का स्क्वायर, ये एट का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हंड्रेड, सिक्स थर्टी सिक्स, एट एट जा सिक्सटी फोर, ये देखो 100 इज इक्वल 100 डिफाइन हो गया ना। यस मैम, यही है। देखो अब क्या करोगे, क्वेश्चन क्या था ना, एक ट्रिपलेट दे देगा, ठीक है, जैसे 6 8 10 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने 6 8 10 हम निकाला है, तो हमें पता है कि 6 8 10 क्या है ना, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके निकाले हैं ये नंबर को 6 8 10, ठीक है, एम का वैल्यू दे रखा था। बट जहां पे आपको क्या दे देगा, ऐसे ही दे देगा, वन टू थ्री दे दिया, ठीक है, और पूछा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे ना, इन जो तीन नंबर दे रखा है वन टू थ्री, सबसे बड़ा नंबर को आप हाइपोटेनस मान लेना, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम जो फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनमें से उसको पुट कर देना, ठीक है। जब एल एच एस इज इक्वल आर एच एस आ जाएगा तब वो ट्रिपलेट है, जब नहीं आएगा वो ट्रिपलेट
नहीं है, हम अभी देखते हैं वो है या नहीं है, ठीक है, प्रूव करके। क्या था हमारे पास, 1 2 3 था, ठीक है, ये ट्रिपलेट है या नहीं है हम अभी देखते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो उसको हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, और ये 1 2 को किसी को भी पी और एक बी ले लेना है, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे अभी ना, 3 का स्क्वायर इज इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, इधर हो जाएगा 1 प्लस 4 9, 4 ये 1 कितना हो जाएगा, 5, ये इक्वल हुआ 5, बताओ 9 और 5 ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, जब ये इक्वल नहीं है तो 1 2 3 उसको क्या ब्रैकेट में लिख के और कमा लगा देंगे, क्या वो ट्रिपलेट बन गया, नहीं बनेगा, ठीक है, वो ट्रिपलेट नहीं है, समझ में आ गया ना, ठीक है। यस मैम। और एक हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है क्लास, क्वेश्चंस क्या दे रखा है ना, वन ऑफ द नंबर्स इन द ट्रायो, ये जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट को ट्रायो भी कहते हैं, ठीक है, ये ट्रिपलेट में एक नंबर दे रखा है 18, तो हम अभी क्या करेंगे ना, पाइथागोरियन पूरा ट्रिपलेट हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होती है ना, कभी कभी m का वैल्यू दे देता है, m इज इक्वल 18 देगा, तभी हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट 18 को लेके 2m के ऊपर अप्लाई करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर, m स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर अप्लाई करके हम ट्रिपलेट निकाल लेंगे। बट यहाँ पे m इज इक्वल 18 नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है ना, वन ऑफ द नंबर्स इन द ट्रायो, ये जो ट्रायो है ये ट्रायो में से एक नंबर दे रखा है, वो नंबर आइदर 2m हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, m स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। बट हम अभी क्या करेंगे ना, m का वैल्यू निकालेंगे, हमें m का वैल्यू पता नहीं है, m का वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगा तभी हम ट्रिपलेट निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे ना, m का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे ना, ये 18 को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, थर्ड नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, जहां पे आपको m का वैल्यू एक कंप्लीट इंटीजर में निकल जाएगा तो वो हो जाएगा, आप वहीं पे क्या करोगे, m का वैल्यू ही हो जाएगा वो, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि 2m इक्वल 18, तो m क्या हो जाएगा, 18 अपन 2 तो 9, तो m का वैल्यू आपका यहाँ पे 9 आएगा, ये एक कंप्लीट इंटीजर हो गया, इसमें से आपको ना पॉइंट में आया ना डिवाइड करने के लिए, जो क्या आपका फ्रैक्शन में आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला ना, m का वैल्यू 9, ठीक है, 9। अभी आप क्या करोगे, इसका वैल्यू ऑफ 2m में अप्लाई करो, m स्क्वायर माइनस 1 में और m स्क्वायर प्लस 1 में, तो 2m क्या हो जाएगा, 2 × 9 18 आ गया, देन m स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 जा 81 आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 हो जाएगा। तो इतना लिख के आप बोलोगे कि हो गया, नहीं हुआ, अभी भी आपका काम बाकी है, क्या करोगे, ट्रिपलेट निकालना था, तो ट्रिपलेट आपको कैसे लिखना है, 18 82 ऐसे करके ब्रैकेट में रखोगे उसको, जब ब्रैकेट भी नहीं दोगे ना तब भी आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, पूरा ऐसे लिखोगे तभी आपका फुल मार्क्स मिलेगी, ठीक है, ये समझ में आ गया या नहीं, बताओ। यस मैम। यस मैम आ गया। मैम आ गया समझ में। यस मैम आ गया। निकालना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका एम का वैल्यू दे देगा तो आप आसानी से निकाल लोगे, एम का वैल्यू निकालने के लिए नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू पुट करो और निकालो, बट क्वेश्चन इतना आसान नहीं देता है, दे देता है ट्रायो में से एक नंबर दे देगा, ठीक है, आपको एम का वैल्यू निकालना है फर्स्ट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, कभी कभी एम का वैल्यू दे देगा फिर आप कोशिश करोगे कि फिर से एम का वैल्यू निकालने के लिए, वो भी गलत चला जाएगा, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे कि एम का वैल्यू दे रखा है या एक नंबर दे रखा है ट्रिपलेट में, ठीक है, जब ट्रिपलेट में एक नंबर दे रखा है तभी वो नंबर को आप अप्लाई करना पड़ेगा सब में से और एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन आप क्या करोगे ट्रिपलेट निकालोगे, ठीक है, यही था बात, उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके मैम, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।